हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में जो हमारी डिलीवरी होती है वो कब तक हो जाती है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसमें कभी भी पूरे 9 महीने का टाइम नहीं लगता है। ट्विंस प्रेगनेंसी जो होती है वो लगभग 8.5 महीने की ही होती है, ठीक है। इससे एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाए, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसकी जो डिलीवरी का सही टाइम होता है तो वो 37 हफ्ते में हो जानी चाहिए हर हाल में। ट्विंस प्रेगनेंसी में कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिनमें जो बेबी होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, मतलब उनका प्लासेंटा भी अलग होता है, उनकी थैली भी अलग होती है। तो कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिनका प्लासेंटा एक ही होता है, जिनकी थैली एक ही होती है, और उनमें बेबी जो है एक ही प्लासेंटा से जुड़े रहते हैं। तो जो बेबी एक ही प्लासेंटा से जुड़े रहते हैं उन बेबी के लिए जो है 37 से 39 हफ्तों तक का टाइम होता है, और इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो बेबी अलग अलग थैली में होते हैं, जिनके प्लासेंटा अलग अलग होते हैं, तो उनकी जो डिलीवरी होती है वो 37 हफ्तों के अंदर हर हाल में हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा वेट करना उनके लिए ठीक नहीं रहता है। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगी तो आप देखेंगी, जैसे आप 7 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं उस समय जो भी वीक्स होंगे, फिर आप उसके जस्ट अगर 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाती है तो जो वीक्स होंगे वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अल्ट्रासाउंड में जिस हिसाब से वीक्स बढ़ते हैं, अगर आप रियल में जोड़ेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग और अल्ट्रासाउंड के वीक्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो वीक देते हैं वो बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग देते हैं। मतलब जो बेबी की सबसे लंबी हड्डी होती है और बेबी का जो वेट होता है, बेबी का जिस हिसाब से ग्रोथ होती है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब से उसमें वीक शो करते हैं। तो मिनिमम से मैक्सिमम 37 वीक में बेबी जो है पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर तैयार हो जाती है बनके, उनका वेट, उनका ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल रेडी हो जाती है। बस 37 वीक कंप्लीट होने के बाद में आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको जो है 37 वीक कंप्लीट हो गए हैं, आपको दर्द वगैरह नहीं आ रहे हैं और आपका बच्चा बिल्कुल रेडी है, उसका वेट वगैरह भी बिल्कुल ओके है, अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपको और वेट करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप बिल्कुल वेट करें। अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि अब आपको और नहीं रुकना चाहिए, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर की बात माननी चाहिए, क्योंकि बेबी कंप्लीट होने के बाद में उनका जो वजन भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अगर आप जितना ज्यादा टाइम बढ़ाएंगी तो बेबी का जो है ओवर वेट गेन होगा, और दूसरी चीज आपकी बॉडी में उतनी ही ज्यादा ब्लड और उतनी ही ज्यादा हर चीज की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। सीधी सी बात है कि बेबी जितने ज्यादा टाइम खींचेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी से पोषक तत्व लेंगे, हर चीज लेंगे, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और आप एक बात और नोटिस करेंगे कि जब आपके अल्ट्रासाउंड में 37 हफ्ते कंप्लीट दिखाएगा, तब अगर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम जोड़ेंगी तो आपका बहुत ज्यादा 8.5 महीने ही हुए होंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो दोनों बेबी थे उनकी जो थैली थी वो अलग अलग थी, उनके दोनों प्लासेंटा भी अलग अलग थे, तो जो उनकी जो डिलीवरी हुई थी वो 37 हफ्ते के बाद ही हो गई थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में 37 हफ्ते क्लियर हो गए थे एंड उनका ग्रोथ, उनकी वेट सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन दर्द वगैरह नहीं आ रहे थे, तो जिस वजह से मुझको डॉक्टर ने जो है बिल्कुल और ज्यादा वेट करने से मना कर दिया था, तो फिर इसलिए हम लोगों ने इंतजार नहीं किया था। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको डॉक्टर मना कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। और दूसरी बात, अगर आपके डॉक्टर आपको क्लियर किया है कि लास्ट मोमेंट पे जैसे आपका 37 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं, आपका दोनों बेबी उल्टे हैं, या मतलब बेबी की पोजीशन सही नहीं है, या कोई कमी है, अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी वो भी फर्स्ट टाइम पे है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी अगर डॉक्टर बोले तभी आप ट्राई करें, अदरवाइज बिल्कुल ट्राई ना करें। इसका रीजन ये है क्योंकि देखिए, जैसे आपके मान लीजिए पहले 1-2 बच्चे हो चुके हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो आपकी हड्डी है, जो भी चीजें हैं वो सारी लचीली पड़ जाती है, वो एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं रहती है, और जो आपका पेट है वो भी एकदम से ढीला सा पड़ जाता है। लेकिन अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, वो भी ट्विंस है, पहली बार में आपका बच्चे लाने का भी मुंह बहुत देर में खुलता है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होती है। और आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ये जरूर पूछें कि आपके जो बेबी, ये दोनों बेबी हैं, उनके सर नॉर्मल हैं या किसी एक का सर बड़ा या फिर छोटा तो नहीं है, क्योंकि ये चीज भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है नॉर्मल डिलीवरी होने में। आपको ये चीजें जरूर क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर मना कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से नॉर्मल डिलीवरी घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि मैं आपको एक केस बता दूं, जैसे जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी हुई थी ट्विंस की, उस टाइम पे एक लेडीज और थी, तो उनके भी ट्विंस थे, तो उनको भी डॉक्टर ने मना किया था कि आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, पर वो नहीं मानी थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकती, तो फिर वो घर पे गई, और घर पे आने के बाद में जो है दर्द वगैरह तो आ गए थे, तो
उन्होंने ट्राई किया तो इसका रिजल्ट ये निकला था कि एक बेबी तो बाहर आ गया था लेकिन दूसरा बेबी जो है फंस गया था, तो फिर इमरजेंसी में आप समझ सकते हो उनको रेफर कर दिया गया था। तो इसलिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बल्कि मैं आपको सचेत कर रही हूँ कि अगर आपके डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल बात माननी चाहिए, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी फैसला ना लें, आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के हिसाब से ही चलें ताकि आप भी सेफ रहें और आपकी दोनों बेबी भी सेफ रहे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि सिंगल बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, चाहे फिर वो उल्टा हो चाहे कैसा भी हो, बिल्कुल हो जाता है। मैं भी आपसे कहूंगी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ट्विन्स में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें विदाउट डॉक्टर के परमिशन की। ओके, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में जो डिलीवरी डेट दे रखी है वो निकल जाती है तो आपको उस डेट के निकलने के एक दो दिन तक और वेट करना चाहिए। इसके बाद में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर आपको डॉक्टर जैसा सजेस्ट करते हैं आपको बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरी डिलीवरी डेट निकल गई थी और उसके बाद भी दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो जैसा मेरे डॉक्टर ने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था। आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही डिसीजन लेना चाहिए, वो भी सही टाइम पे, ताकि माँ और बच्चे दोनों ही सही रहें, क्योंकि इसमें ओवर टाइम करने का मतलब है अपने शरीर में किसी न किसी चीज की कमी करना, प्लस बच्चों में कोई ना कोई कमी आना। तो इसलिए आपको ओवर टाइम बहुत ज्यादा विदाउट डॉक्टर की परमिशन के बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर रुकने के लिए बोलते हैं तभी आप रुके, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ना रुके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।